everyone. Welcome to my YouTube channel Cook with Farasi. आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो चीज़ आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं, उसका नाम है चिकन फाइटास। वो यूजुअली सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन मैं इसको थोड़े वेरिएशन के साथ तीन अलग अलग स्टाइल में उसका रोल बनाकर आपके सामने दिखाऊंगी। इन एडिशन टू दैट हम एक बहुत ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल और थोड़े से वेजिटेबल्स मिला के एक सालसा भी बनाएंगे ताकि वो उसके रोल्स के साथ जा सके। तो चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। फाइटास बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और उस मैरिनेशन के लिए मुझे कुछ स्पाइसेस चाहिए। तो पहले मैं वो ड्राई रोस्ट करती हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर होल, 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1/2 teaspoon ऑरिगेनो। पहले हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके बाद कुछ और मसाले हैं वो इसमें मैं ऐड करूँगी। मेरा पैन वैसे ही गर्म था, फटाफट रोस्टिंग हो गई। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें कुछ और मसाले मिलाऊंगी, जैसे 1/2 teaspoon शुगर, 1/2 teaspoon पेपरिका पाउडर और 1/2 teaspoon सॉल्ट। जैसे ये मसाले थोड़े ठंडे हो जाएं, हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। पहले आप अपनी चिकन की स्लाइस कर लें। ये देखिए कट थ्रू कर लिया मैंने, बीच से ये पतला हो गया। अब इसको आप इस तरह पीसेस में काट लें। तो मेरे पास यहाँ पर 800 ग्राम्स ऑफ चिकन है। आपको जितनी भी चिकन चाहिए आप वो ले लें और उसको इसी तरह पीसेस में काट लें। लेकिन ये जो स्पाइस मिक्स है ये यूजुअली 800 to 900 ग्राम्स के लिए इनफ होता है। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो स्पाइसेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। कटिंग हमारी हो गई है, ये स्पाइसेस मैं अब इसमें डालती हूँ। हम इसे मैरिनेट करते हैं अच्छी तरह। इसमें आप 1-2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल भी डाल दें, इसको करें मैरिनेट। इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है, बिलीव मी ये एक बहुत ही यम्मी डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैरिनेशन डन। चलिए तो हम अपनी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसके ऊपर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, या जो से भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो वो डाल लें। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें डालूंगी हमारी ये जो मैरिनेटेड चिकन है। बिफोर हम अपनी चिकन डालें मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा परख लेती हूँ। वेजिटेबल्स हमारे ग्रिल हो रही हैं, मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल ले लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिकन। हाई टेम्परेचर पर आप इसे फ्राई करें। फ्राइंग हमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है और जैसे ये फ्राइंग डन होगी चिकन भी हमारी ऑल कुक हो जाती है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह पका रहे थे इसलिए चिकन को पकने में इतना टाइम नहीं लगता। माई चिकन ऑल डन हो गई, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी पैन में आप अब दूसरी कुछ चीज़ें डालें। जैसे यहाँ पर मैंने 1/2 कैप्सिकम लिया है रेड, मेरे पास सिर्फ रेड था इसीलिए आप ग्रीन भी ले सकते हैं। 1 मैंने यहाँ पर हैलोबीनोज लिया है, हमारे घर में पसंद किया जाता है। हैलोबीनोस बहुत तेज़ होता है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। हैलोबीनोस नहीं है तो ग्रीन पेपर, जो ग्रीन चिलीज होती हैं वो डालें। और मैंने 1/2 यहाँ पर अनियन लिया है। तो चलें अब ये सब भी इसमें डाल दें। इसी मसाले में और इसी ऑयल में इसको हल्का फुल्का सा पका लें आप। यहाँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश गार्लिक चॉप करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें हमारे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट डन हो गए। अब इसमें ये जो चिकन है आप ये दोबारा मिला दें। चलें हमारी चिकन की कुकिंग डन हो गई। नेक्स्ट ये फ्लेम को लो कर देती हूँ।
अब हम दोबारा से अपने ग्रिल वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। चलें तो हम इसे अपने ब्लेंडर ग्राइंडर जो भी हो उसमें डाल लेते हैं। आप मिलाएं फ्यू पाइनएप्पल चंक्स, साथ साइज रेडी। हमारी चिकन फाइटास ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें आप मिलाएं 2 teaspoons ऑफ लेमन जूस। चलिए जी, तो मैंने फिर से ग्रिल पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी अपना ब्रेड, इसको हम थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। आप तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन पे भी कर सकते हैं, जिस पे दिल चाहे करें। जैसे ही ये गर्म हो जाए हम अपनी फर्स्ट रोल को असेंबल करेंगे। यहाँ मैंने बाजार का टॉर्टिया लिया है, आप चाहें तो घर में बनी हुई चपाती भी ले सकते हैं, जो दिल चाहे आपको उसी ब्रेड में बनाने हैं। यूजुअली ये टॉर्टियाज पे ही बनाई जाती हैं। तो चलिए लेट्स असेंबल द फर्स्ट वन। ये मैंने टॉर्टियाज लिया, इसमें मैं डालूंगी जो हमने चिकन बनाई है वो, थोड़ा सा ये होममेड सालसा, क्योंकि ये सालसा घर में बनता है और बेस्ट होता है। उसके ऊपर डालें आप थोड़ा सा ये सार क्रीम, इसको बनाएं आप रोल। फर्स्ट वन इज रेडी। नाउ द ब्रेड इज रेडी फॉर द सेकेंड सालसा। पहले इस पे चिकन, इसके ऊपर डालूंगी मैं एक, हमारे पास एक सालसा पड़ा है फ्रॉम द स्टोर है, ये डालें आप। उसके ऊपर डालूंगी मैं ये भी बाजार का ही है, गुआकामोले। ये लीजिए, थर्ड काइंड ऑफ ब्रेड में हम लगाएंगे सबसे ज्यादा गुआकामोले, चिकन, और उसके ऊपर हम रखेंगे ये सार्की। ये लीजिए, हमारे 3 काइंड ऑफ फाइटास रेडी है।